नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबों का मैं अपने गार्डनिंग वर्ल्ड में। तो चलिए आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं समर में कौन सा शॉपिंग करके लेके आई हूँ प्लांट का। तो ये देखिए, ये मेरा कामिनी का प्लांट है, ये देखिए, और ये मेरा हाइड्रेंजा है, देखिए इसमें देखिए कलियाँ आ गई है, और इसके बाद ये मुंडा बेल है मेरा, बहुत ही अच्छा सेंटेड फ्लावर होता है, पूरे गार्डन को महका देता है ये बहुत अच्छे से। और ये देखिए गंधराज मेरा, कितने वाइट कलर के इसके फ्लावर आते हैं, और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी प्यारी लगती है देखने में। और ये मेरा कोलियस है, इधर मेरा हाइब्रिड मोसरोज है, ये दोनों कौन सा कलर है पता नहीं, लेकिन जब कलर आ जाएगा तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और इधर देखिए मैं तीन कलर विनका का लेके आई हूँ, देखिए एक ये मेरा ये पिंक है, डॉट्स बने हुए हैं, वाइट में भी डॉट्स बने हुए हैं, और ये सिंपल सा एक कलर लेके आई हूँ, तो देखिए। और उसके बाद मैं लेके आई हूँ सोनाटा का, HPM सुपर सोनाटा, देखिए दोस्तों ये मुझे एग्रीकल्चर शॉप पे मिला है, इसका प्राइस देखिए 258 का है, सॉरी, और मुझे 140 का मिला है। तो मैं आज बताने वाली हूँ इसके बारे में, सुपर सोनाटा के बारे में, कि आप अपने प्लांट में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और ये HPM सुपर सोनाटा, HPM कंपनी का जो सुपर सोनाटा है, आप अपने सभी तरह के प्लांट में दे सकते हैं। और आपके पौधे में अगर थ्रिप्स, माइट्स का या कोई भी फंगस का अटैक हो गया है तो इसका छिड़काव आप कर सकते हैं अपने प्लांट में, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और अप में ये हमारे प्लांट को हेल्दी भी बनाता है, उसकी ग्रोथ भी बढ़ाता है। हमारे रोज़ प्लांट में भी ये बहुत तरह के प्रॉब्लम को दूर करता है, ये जैसे हमारे प्लांट सब में येलो माइट्स हो जाते हैं, पिंक माइट्स, रेड माइट्स हो जाते हैं, और फिर चूसने वाले कीड़ों का अटैक अगर हो जाता है तो उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो और ये थोड़ा सा, पर इसका सेंटेड थोड़ा कड़ा रहता है, इससे आप थोड़ा दूर रहें। जैसे आप इसका अगर प्लांट में अपना छिड़काव करें तो थोड़ा सा अपने नाक को ढक लें, और आँखों का भी बचाव करके अच्छे तरीके से इसे दूरी बना करके थोड़ा इसका छिड़काव करें। और ये हमारे जैसे रोज़ के प्लांट में पत्ते जल रहे हैं और फंगस लग गए हैं, पीले होके गिर रहे हैं, और फ्लावरिंग नहीं आ रही है, और कलियां झड़ जा रही है, तो इसको भी ये ठीक करता है। और ये हमारे प्लांट के क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है, और ये ग्रोथ बूस्टर टॉनिक है, तो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये 2-in-1 काम पौधों की अनचाही वृद्धि अगर हो जाती है, जैसे कि हमारे पौधों में पत्ते ही, जैसे हम लोग खाद दे देते हैं, पत्ते ही बढ़ने लगते हैं, फ्लावर नहीं आते हैं, तो उसकी वृद्धि को भी ये रोकता है। इसका छिड़काव करने से हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छा वो एनर्जी मिलता है, जैसे कि आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। मैं अपने रोज़ प्लांट में इसको दी थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, फ्लावर नहीं आ रहे थे, विंटर में भी मैंने सबसे पहला इसका यूज़ विंटर में ला करके किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला इसका, और ये मैं दूसरी बार लेकर के आई हूँ इसको, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा। इसका कलर डार्क कलर का होता है, ब्लैक, डार्क ब्लैक, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका, तो देखिए न्यू पैकिंग है मेरा, ये तो मेरा न्यू पैकिंग है। इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं अपने प्लांट में, सारे प्लांट में, मैं कुछ प्लांट अपना सब्जी का भी लगाई हूँ, और बहुत सारे फ्लावर ही हैं मेरे पास, तो सब में मैं इसका छिड़काव करती हूँ। और ये गर्मी में हमारे प्लांट को ठंडक रखता है, और ठंडक रखता है हमारे प्लांट को। तो फ्रेंड, आप इसका यूज़ 1 लीटर पानी में 20 बूंद लेके करें, या फिर 1 ml प्लांट पानी में घोल लें, घोलने के बाद फिर जा कर के आप इसे
स्प्रे में स्प्रे कर सकते हैं आप इसे सुबह, अभी गर्मी के मौसम में आप सुबह का स्प्रे करें या फिर शाम को करें, उसके बाद रिजल्ट देखें। माइट्स अटैक तो हमारे पौधों से चला ही गया, रोज़ के प्लांट में तो बहुत सारे फंगस लग चुके थे हमारे, तो वो ठीक हो गए सारे, उसके सारे प्रॉब्लम ठीक हो गए। और इतनी अच्छी फ्लावरिंग ये देता है, फ्लावर का ग्रोथ बढ़ाता है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और ये आप फंगस लग जाए उसमें भी ठीक कर सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छा ये टॉनिक है। और आप अपने गार्डन में इसे ज़रूर यूज़ करें सारे पौधों पर, और इसे आप एक बार यूज़ करके देखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आपके भी प्लांट हेल्दी रहें। और इतना हम लोग गार्डनर लोग इतना मेहनत करते हैं, और सारा मेहनत अगर फंगस की वजह से या माइट्स अटैक्स के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाए पौधा, तो वो सारा मेहनत हम लोगों का बेकार हो जाता है फ्रेंड। तो आप इसे ज़रूर लाएं, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फिर मिलती हूँ मैं, इसे मैं शाम को स्प्रे करूँगी अपने प्लांट पर। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है और गर्मी भी हमारे यहाँ बहुत 38 डिग्री सेल्सियस बढ़ी हुई है, तो मैं भी अभी धूप में तो इसे दूंगी नहीं, शाम को दूंगी। तो फिर मैं शाम का वीडियो अब ज़रूर अपलोड करूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।